दिल छोड़ आए। माँ रुक जा बहू, ये दाग आपकी साड़ी पे नहीं, इस घर की इज्जत पे लगे हैं। पूछ सकते हैं, हमारे मना करने के बावजूद आपने इस घर की मर्यादा को क्यों लांघा? रानी माँ, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते की। वो दोनों बहुत मुसीबत में थे। इंसानियत निभाने के लिए खुद के दामन पे दाग लगाने की जरूरत नहीं थी आपको। हमसे कह दिया होता, हम आपके भाई और उस लड़की को यहां से कहीं दूर भेज देते, उनके रहने खाने का इंतजाम कर देते, भूल जाते कि उन्होंने हमें धोखा दिया है और सिर्फ आपके कहने पर उनकी मदद करते। रानी मां, बात उनकी इज्जत की थी, लोग कुछ भी कहकर उनके सम्मान को चोट पहुंचा रहे थे। और हमारी इज्जत का क्या? उनके सम्मान को बचाने के लिए आपने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अभी हमारा तो इस राज घराने से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। बीच सड़क पर एक कोठे वाले की हिमायत कर आई है। चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह रही थी कि वो पवित्र है, मासूम है। हाँ, आप तो जानती हैं, ऐसी बातें रियासत में आग की तरह फैलती हैं। हम तो जैसे तैसे अपने आप को समझा लेंगे, लेकिन आप रियासत के लोगों से नजरें कैसे मिलाएंगी? मां, दरअसल बात ये है कि बीच में मत बोलिए रणधीर, हम जवाब अपनी बहू के मुंह से सुनना चाहते हैं। रानी मां, मैं वहां सिर्फ उदयवीर जी और वशमा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सच बताने के लिए गई थी, ये सोच बदलने के लिए गई थी। क्षमा चाहती हूँ रानी मां, पर घर की चार दीवारों के अंदर बैठकर लोग और लोगों की सोच को नहीं बदला जा सकता। कभी कभी ये करने के लिए घर की दहलीज को भी लांघना पड़ता है। क्या? लो, अब एक विधवा समाज को बदलने का ठेका उठाएगी। ये काम करने से पहले ना बस एक बार अपनी इस सफेद साड़ी को आईने में अच्छे से देख ले। लोगों की बेहुदा सोच को साड़ी के रंगों से नहीं, हिम्मत से बदला जा सकता है। और मां, मुझे बहुत खुशी है कि इनमें वो हिम्मत है। साड़ी के रंग समाज की नजरों में बहुत मायने रखते हैं रणधीर। इसी रंग से बचाने के लिए आपके बाबा ने हमारा हाथ विजेंद्र जी के हाथ में सौंपा था, क्योंकि वो जानते थे एक विधवा का कोई अस्तित्व नहीं होता। माँ, तब के वक्त में और अब के वक्त में बहुत फर्क है। समय के साथ साथ हमें समाज की सोच को बदलना होगा। और माँ, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगी तो फिर कौन समझेगा? समझने की जरूरत हमें नहीं, आपको है रणधीर। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस हरकत के बावजूद आपसे कुछ नहीं कह रहे। और जहां रहा सवाल समय के साथ बदलने का, तो समय ना आज बदला है ना कल बदलेगा। उदय ने हमें कुछ कागज दिए थे साइन करने के लिए, लेकिन हमें पता चला है कि उन्हें हॉकी टीम से निकाल दिया जा रहा है। क्योंकि उनका रिश्ता एक कोठे वाली के साथ है। यह है आपका समाज और यह है आपके समाज की सोच। बदल पाएंगे इसे? और आप जिस सोच को बदलने की कोशिश कर रही है उसे बदलने के लिए 100 साल लगेंगे। दोबारा इस साड़ी पे दाग नहीं लगना चाहिए। उदय और वशमा की चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए। हम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर
हम उन्हें यहां से कहीं दूर किसी और जगह बसाने का इंतजाम कर देंगे। मां भमन अमृत, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शंधीर, आप जाइए, मां को आपकी जरूरत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.